जो खुदा ने ग्रेस मुझे दी है आज इस नगर पर, आज लोगों पर जो सुन रहे, जो ऑनलाइन देख रहे, वो ग्रेस उतर के जाएगी आपकी जीवनों के ऊपर। मैं ऐसे नहीं जाने वाला, वो ग्रेस आप पर उतार के यहां से जाने वाला हूं, क्योंकि खुदा ने किया है जो मैंने तुझे दिया है। जो भी नबी किसी नगर में आता है, वो कोई भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर का रियल मैन ऑफ गॉड हो, जो उसकी लाइफ में ग्रेस होती है, हर एक के ऊपर प्रभु ने अलग अलग अनॉइंटिंग दी है, अलग अलग कॉलिंग दी है, अलग अलग तरह की ग्रेस दी है, और जो उस ग्रेस के नीचे अपने आप को दीन करता है, अपने आप को हम्बल करता है, उस ग्रेस की रिस्पेक्ट करता है और पूरा ऑनर करता है और पूरी तरह से अपने आप को उस अनॉइंटिंग के नीचे समर्पित करता हूं कि मैन ऑफ गॉड, मैं इस अनॉइंटिंग के नीचे अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं चाहता हूं जो आप में अनॉइंटिंग ग्रेस है वो मेरी लाइफ में काम करे, तो क्या होगा, वो ग्रेस आपकी लाइफ में चाहे आप मुझे मिले चाहे ना, आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगी। और मीडिया में जब तुम यूट्यूब पर बढ़ रहे होंगे, लोग देख के जान जाएंगे कि इनके ऊपर वो अभिषेक जो इस दास के ऊपर है इसकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको कोई प्रीच आज टीचिंग देने के लिए नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझे डायरेक्ट बोला इन लोगों पर जा और इन्हें भविष्यवाणी का वचन दे, इनके ऊपर भविष्यवाणी कर, क्योंकि जब प्रोफेटिक आपकी लाइफ में आता है, आप आमीन बोल के हृदय से रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद वो जो आपने विश्वास से ग्रहण किया वो आपको धक्का देना शुरू करते हैं। प्रोफेटिक आपकी लाइफ को स्पीड देना शुरू करती है, आपकी लाइफ को मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है, आपको डिलीवर करती है, आपको फ्री करती है, आपको हील करती है, और आपको आपकी बुलाहट की ओर बढ़ने के लिए इजी करती है, आसान करती है। वो कहते हैं मैं इनकी जिंदगियों को, इनकी जीवन में इन्हें ऊंचा उठाऊंगा, मैं इनके जीवनों में ऊंचा उठाऊंगा, इनके जीवनों में, इनकी जिंदगियों में आज से मैंने ऊंचा उठाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, आज से तुम आशीषित लाइफ जियोगे यीशु के नाम में, आज से तुम ब्लेस्ड लाइफ जियोगे यीशु के नाम में। सबको वो नया दिल रूह जिंदगी के लिए, दे दे सबको वो नया दिल रूह जिंदगी के लिए। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। कितने नया दिल आ चाहते हैं, कितने चाहते हैं आज वो पवित्र आत्मा नए सिरे से आपकी लाइफ में उत्पन्न करे, पत्थर हृदय निकाल के मांस का हृदय वो आपकी लाइफ में दे। जैसे वर्शिप टीम गा रही है कि दे दे वो नया दिल, यहां पर खुदा ने मुझे अभी ये वचन दिया, कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। ओह, जो तुम गा रहे हो, कहता मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज तुम नई आत्मा से यहां से जा रहे हो, तुम उस स्पिरिट से नहीं चलोगे जो डेविलिश है तुझे चला रही है, आज तुम एक नई आत्मा से यहां से जाओगे। आज से कोई शैतानी आत्मा तेरे जीवन में अटैक ना कर पाएगी यीशु के नाम में, यह भविष्यवाणी है। कोई भी शैतानी आत्मा आज के दिन के बाद तेरी लाइफ में अटैक ना कर पाएगी। मेरे कहा अगर तेरा आमीन केवल चिल्लाने से नहीं, आत्मा से, हृदय से खुदा बोल रहा है। खुदा ने आज मुझे बोला भविष्यवाणी कर इन लोगों पर जाके, आज उसने बोलना शुरू कर दिया है। खुदा कह रहा है कोई भी दुष्ट आत्मा आज के बाद तुझ पर अटैक ना कर पाएगी, क्योंकि आज के दिन से मैं तुझे नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज एक है बाहरी शरीर, बाहरी मनुष्य, एक है अंदरूनी आत्मा। जब बाहरी मनुष्य मिट जाता है तो अंदरूनी आत्मा नया हो जाता है जो तेरे लिए कार्य करता है। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रेजेंस के द्वारा, आज के अभिषेक के द्वारा तेरा बाहरी मनुष्य तब मिट जाएगा और तेरा अंदरूनी आत्मा नया होगा जो तुझे साथ लेके जाएगा और अपनी इच्छा को तेरे द्वारा पूरी करेगा यीशु के नाम में। खुदा बोल रहा है इन्हें इनके इनके हृदय में ये बात पहुंचा दे कि आज से
वो शैतानी आत्मा के अटैक तेरे जीवन में कभी ना होंगे यीशु के नाम में। आज से वो पाप के अटैक तेरे जीवन में कभी ना होंगे यीशु के नाम में। जे मैं आपको एक्साइटेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको हिलाने के लिए या चोर में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो खुदा मुझे बोल रहा है अगर तूने इस पर विश्वास से हृदय से मान लिया, क्योंकि मुझे खुदा अब आत्मा में लेके जा रहा है। जब मैं आपकी तरह चर्च में था एक दिन, जब मैं पाप में गिरा हुआ था, चर्च में मैन ऑफ गॉड प्रार्थना कर रहे थे, मैं अभी जूते उतार रहा हूं चर्च में आने के लिए बाहर, और साउंड की आवाज मेरे कानों में पड़ी कि जो गिर चुके हैं प्रभु के दास ने बोला आज उनके खड़े होने का दिन है। मैंने जूते उतारते उतारते बोल दिया आमीन। वो आमीन मेरी आत्मा से निकला और उसके बाद पाप के अटैक मुझे कभी ना हुए, उसके बाद व्यभिचार में मैं कभी ना गिरा, और खुदा ने मुझे एक दो साल पवित्रता में खड़ा करके मसा देके यूज करने के लिए लोगों में दे दिया। मैंने कहा अगर तुम भी ऐसे आमीन बोल रहे हो आत्मा से, खुदा बोल रहे, तुम कह रहे पास्टर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे अटैक होते दुष्ट आत्मा के, अटैक होते मेरी सेवकाई पर, अटैक होते मेरे आत्मिक जीवन पर, अटैक होते मेरे घराने पर, अटैक होते मेरी पवित्रताई पर, अटैक होते मुझे नशे के, गुस्से के, पाप के, अशुद्धता के, नाइट को अटैक होते हैं, दिन को अटैक होते हैं, कोई दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती है। आज तुम उसे बोलना बंद कर दो, केवल आत्मा से आमीन बोल देना। खुदा बोल रहा है आज से कोई शैतानी आत्मा तुझ पर अटैक ना कर पाएगी यीशु नाम में। मैं लास्ट बार बोलता हूं, आज से कोई दुष्ट आत्मा आप पर अटैक ना कर पाएगी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उराखिंदा नमस्ते लक्रोंदा नमांदेरे आरमासंदा नमासे लेम्प्रो कुतोना नमासे ते ने में सिखे लेम्प्रा खादाना नमांदरा नमासिंदा नमांदेरे ने में सिखे। आज खुदा तेरी सारी गंदगी को निकाल के तुझ पर शुद्ध जल छिड़केगा और तुम पवित्र हो जाओगे सुना में। आज वो तुझ पर शुद्ध जल छिड़केगा और तुम पवित्र हो जाओगे। उसने कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये क्या है? एक प्रतिज्ञा बाइबल की। और तुम्हारी देह में पत्थर हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम में तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, आज पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर तुझ पे उतरेगा ही नहीं, तुम्हारे भीतर ठहरेगा यीशु के नाम में। आज तुम केवल एक गुड न्यूज मीटिंग अटेंड करके नहीं जा रहे हो, तुम उस आत्मा को लेके जा रहे हो जिसने कुंवारी मरियम के अंदर यीशु मसीह को डाल दिया, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। खुदा कहता है अगर वो तुम में बसा है तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जिलाएगा, तुम्हारे मरे हुए आत्मा को, मरी हुई सेवकाई को क्यों ना जिलाएगा। मैंने कहा यह भविष्यवाणी में बोलता हूं कि आज तुम्हारे भीतर देखकर तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियो पर चलोगे। आज वो अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर डालेगा, तुम्हारे अंदर डालेगा और वास करेगा और तुम्हें गाइड करना शुरू करेगा। क्योंकि जब पाप तुम्हारे जीवन में आता है पवित्र आत्मा तुझे गाइड नहीं कर पाता, पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में ठहर नहीं पाता, वो ठहर के तेरी अगुवाई तेरा मार्गदर्शन नहीं कर पाता। पर आज खुदा ने बोल दिया है कि कोई भी शैतान का अटैक, वो पाप का हो, वो व्यभिचार का हो, वो नशे का हो, वो शारीरिकता हो, वो सुस्ती का हो, वो गंदगी का हो, आज के बाद वो तेरी लाइफ में ना होगा। और अगली गुड न्यूज मीटिंग में जहां भी होगी तुम गवाही के साथ वापस आओगे कि मैं उन अटैकों से आजाद हो चुका हूं अगर तेरा आमीन ऊंचा है। मैंने कहा केवल ऊंचा नहीं, अगर तेरा आमीन आत्मा से, हृदय से, विश्वास से। और हम संदेह क्रिकेन देने में से के मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आज के बाद तुम खुदा के नियमों को मान पाओगे, उसकी व्यवस्था पर चल पाओगे, उसकी आज्ञा को मान पाओगे। जब खुदा की आज्ञा को तुम मानते हो तो उसकी प्रतिज्ञा तुम्हारी लाइफ में पूरी होती है। और जब बाइबल की प्रतिज्ञा एक व्यक्ति की लाइफ में पूरी होती है, वो एक व्यक्ति का जीवन आम नहीं, दुनिया में सबसे खास हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। एक मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करो। लें ग्रे हे सोम बरामान अंधेरे में सारा माता नामा लेकर कदा नामा दले क्रियोसा शनमदलम ब्रह्मदलम ब्रह्मद नमस्ते।
लेप्रे के दिन में हो सोरा बदा नमाजदार नमाजे आई यहोवा की शक्ति आप पर आएगी। यहेज़कियेल 37 में लिखा है उसकी एक में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई जब यहेज़कियेल के ऊपर यहोवा की शक्ति हुई, जब आत्मा उस पर उतरा तो उसे हड्डियों की तराई में ले गया। कहता है वह मुझ पर अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया, मतलब आत्मा समा कर अपना अंदर डाल के मुझे बाहर ले गया। जब तक आत्मा होली स्पिरिट एक संबंध के द्वारा आपकी लाइफ में ठहरता नहीं, आप कभी अपनी लाइफ में बुलाहट की ओर बढ़ नहीं सकते। पर आज पवित्र आत्मा का ठहराव आप अपने जीवन में लेके जा रहे हो चुनाव में, और आज जो मैं आगे बताने वाला हूं खुदा की ग्रेस, कौन सी ग्रेस तुम लेने वाले हो, मैंने कहा उस ग्रेस को तुम आज लेके जाने वाले जो मैं बताने वाला हूं। कहता जब आत्मा समाकर मुझे बाहर ले गया तो मुझे एक तराई के बीच खड़ा कर दिया, और तराई में हड्डियां हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया, और तराई के बहुत जहां पर हड्डियां थी वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा इन हड्डियों से कहता है, देख आप तुम में मांस, मैं तुम्हें मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और तुम में सांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से डपूंगा और तुम में सांस डालूंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। जिस तरह यहेज़कियेल को प्रभु ने बोला के भविष्यवाणी कर इन हड्डियों के ऊपर और वह जिएगी, आज खुदा ने मुझे बोला इन लोगों के ऊपर जाके भविष्यवाणी करना। बाइबल में लिखा है जिसे भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिस फेथ को मैं चर्च में सिखा रहा हूं, उसने कहा उसी विश्वास के परिमाण के अनुसार तू इन पर भविष्यवाणी करना। और मेरा बिलीव है जो परफेक्टिक वर्ड खुदा आगे देने वाला है आपकी जिंदगी सेम न रहेगी। एक परफेक्टिक वर्ड, एक खुदा का वचन आपकी जिंदगी को मार्गदर्शन दे सकता है, उठा सकता है और चमका सकता है। हालेलुया। और जब खुदा और भविष्य इसके लिए जाके हड्डियों के बीच में भविष्यवाणी करी तो हड्डियां जुड़ने लगी, उसपे मांस आया, उसमें सांस आई। जैसे जैसे वो बोलता गया वैसा ही होता गया। पर लास्ट में जो एक बात जो यहोवा वहां पर कहना चाहता है 10 आयत में, इसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर अपने अपने पांव पर खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। मैं यहेज़कियेल के बारे में आपको यह स्टोरी बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये खुदा का प्रोफेटिक मैसेज, जैसे कि नबी जब एक नगर में आता है तो वह एक नगर के लिए मार्गदर्शन करता है, एक नगर के लिए जो ग्रेस उसके ऊपर है वो एक नगर पर उतार के जाता है। आज गुरदासपुर में फर्स्ट टाइम मैं आया हूं और जो खुदा ने मुझ पे ग्रेस दी है और जो उस ग्रेस के नीचे अपने आप को हम्बल करेंगे, दीन करेंगे, जिसको खुदा ने देनी है उसको खुदा ले आया है यहां पर। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा जिस भी नगर में जाओ, जिस भी घर जाओ, उस घर का कल्याण मांगो, उस घर को आशीष दो। खुदा ने अपने दास को यह ब्लेसिंग दी है कि जहां भी तू जाएगा, जिस जगह तू कदम रखेगा, उस जगह को और उस नगर के लोगों को मैं आशीष करूंगा। क्या तुम ले रहे हो अपने लिए? कहता जिस जगह तू जाएगा, कदम रखेगा, उस जगह को और उस नगर के लोगों को मैं आशीषित करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा। इसका मतलब मेरा यहां पर आना आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा, क्योंकि मैं नहीं आया हूं, खुदा ने आत्मा ने मुझे भेजा है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको अनॉइंट करने के लिए, आपको वो ग्रेस को अंडेलने के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जो जिस घर में तुम जाओगे अगर वो कल्याण के योग्य होगा, अगर मेरे दास को मेरा दास समझ के एक गिलास पानी का भी पिलाए, वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। जो नबी को नबी समझ के, अपोस्टल को अपोस्टल समझ के, पास्टर को पास्टर समझ के, जो मेरे दास को दास समझ के कि ये आम इंसान नहीं है, खुदा का चुना हुआ है, ये आप खड़ा नहीं हुआ सेवकाई में, खुदा ने इसे खड़ा किया है। अगर खुदा ने इसे खड़ा किया तो खुदा का कुछ अंश इसमें है। और अगर मैं इसके इस अनॉइंटिंग के नीचे अपने आप को हम्बल करूं और कहूं खुदावन जो तेरे दास में वो मुझे चाहिए, तो खुदा वो आपको भी दे सकता है और आपकी आम लाइफ को खास बना सकता है। हालेलुया।
उसका अगर कोई कल्याण के योग होगा, जो इस ग्रेस के नीचे अपने आप को हम्बल करेगा, जो इस ग्रेस के नीचे इस सर्मन को सुन के अपने आप को दीन करेगा, हम्बल करेगा और सरेंडर करेगा, समर्पित करेगा अपने आप को अपनी लाइफ में पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से समर्पित, और खुदा उसके ऊपर वो पूरी तरह से जो जितना सरेंडर करता है उतनी ग्रेस उतनी अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में ठहरती है और उतना छुटकारा उतना मार्गदर्शन, क्योंकि बाइबल में कहा तुम नहीं जानते क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। जब जब यूहन्ना बताता है कहता तुम नहीं जानते क्या करना कैसे करना, परंतु जो मसा तुम पर किया गया है, जो ग्रेस तुम पर अंडेली गई वो तेरी अगुवाही करेगी। हालेलुया। जब एक व्यक्ति की लाइफ में मसा आता है तो वो मसा खुद ब खुद उसे बढ़ाना शुरू करता है, उसको मार्गदर्शन करना शुरू करता है, उसकी अगुवाही करना शुरू करता है। हालेलुया। और उसको वहां ले जाना शुरू करता है जहां के लिए वो चुना गया है। जैसे दाऊद का जब राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ तो वो राजा बना। हालेलुया। आज अभिषेक तुम्हारी लाइफ में आ रहे, पास्टर तुम्हारी जिंदगी में आ रहे, तुम्हारी सेवकाई में आ रहे। अपनी आंखों को बंद करो, खुदावन होने दे, खुदावन इस भविष्यवाणी के वचनों को। खुदावन लिखा कहता है मैंने अपने नबियों को तुम्हारे बीच में भेजा पर तूने उनकी बातों को तुच्छ जाना, पर जो नबियों की बातों को तुच्छ नहीं उसे रिसीव करना जानता है तो खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े बदलावों को देता है, बड़ी बेदारी को देता है। बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप जो करने जा रहे मेरे जीवन में, मैं एडवांस में आपका थैंक्स करता हूं। थैंक यू जीसस, बोलते तारीफ करते उसका थैंक्स करें। तो खुदा ने मुझे क्या प्रोफेटिक दिया, कहते इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, जो हड्डियां तो जुड़ गई थी, मांस भी आ चुके थे पर अभी सांस नहीं थी, प्राण नहीं थे, और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, एक बहुत बड़ी सेना तैयार होगी। खुदा कह रहा है कि जब तू इनके ऊपर आज वो अभिषेक को उंडेलेगा, एक बड़ी सेना खुदा के राज्य को प्रचार करने के लिए इनमें से तैयार हो जाएगी। आज के बाद सारे संघर्ष खत्म है तेरी लाइफ में, सारे संघर्ष खत्म है। मैंने कहा भविष्यवाणी देने के लिए बोला है, ले लो, तेरे बिजनेस के संघर्ष खत्म है, तेरे कर्जों में जो तुम संघर्ष कर रहे हो तेरे संघर्ष खत्म है, तेरी जॉब के लिए जो तुम संघर्ष कर रहे हो तेरे संघर्ष खत्म है। उत्तम जॉब, बढ़िया जॉब, बेस्ट तुम्हारी लाइफ में आ चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके पास कोई काम नहीं है तेरे लिए काम के रास्ते खुल चुके हैं, खुलेंगे नहीं, मैंने कहा खुल चुके हैं तेरे लिए, काम के रास्ते खुल चुके हैं। मुझे खुदा वो एक वचन और याद दिला रहा है जो यहां पर आने से पहले खुदा ने मुझे दिया था। लब्रा खेंदा मांदा है सोबा नांद्रे के जोकर मंदा ना मांदे ले किरियोजा लक शक तक मासिक रखे देने में देने में से लिप्रे के देने में देले के रेबे देले प्रकादा ना मासिक। अगर 10 में से 1 को आशीष मिलनी वो एक तुम होंगे, अगर 100 में से 2 को आशीष मिलनी वो तुम होंगे, तेरे कारण तेरे दोस्त तेरे लोग भी ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रामा बाबा पापा पापा ला खरंदा नमा सिख लेकर के देने में देने में सिखे। हर वो आशीष जो शैतान ने रोकी थी तेरी लाइफ में, हर जो ब्लेसिंग, हर वो पोस्ट जो डेवल के द्वारा रोकी गई थी, आज खुदा बोल रहे हैं कि वो डेवल के द्वारा हर वो चीज जो काम तेरी लाइफ में किया गया था आज वो टूट चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज वो टूट चुके हैं, हर वो जादू और टोना जो तेरी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा था आज वो तेरी लाइफ में टूट चुका है, आज वो तेरी लाइफ से जा चुका है। तुम आजाद हो चुके हो, तुम फ्री हो चुके हो यीशु के नाम में। बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद खुदा कहता है मैं तुमको बढ़ाना शुरू करूंगा। तुम कह रहे हो मेरी सेवका नहीं बढ़ रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा परिवार नहीं बढ़ रहा, क्या है जो तेरी लाइफ में नहीं बढ़ रहा है? खुदा कहता है आज से मैं उसे बढ़ाना शुरू करूंगा यीशु के नाम, आज से मैं उसे बढ़ाना शुरू करूंगा। कोई कह रहा है मेरा कद नहीं बढ़ रहा है, मेरी सेहत नहीं बढ़ रही, प्रभु कहता है मैं सब कुछ बढ़ाऊंगा।
जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो, सब बातों में तुम उन्नति करोगे यीशु के नाम में, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा में से वो बोल रहा है, हालेलुया। बहुत सारे लोग आप में से तैयार होंगे खुदा के कामों को करने के लिए, शैतानी राज्य को तोड़ने के लिए, शैतान के अधिकार से लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है आप में से, हालेलुया, आप में से। क्योंकि जब वो आत्मा आप पर समाएगा, तुम परिवर्तित हो जाओगे। उसने लास्ट 14 आयत में कहा, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। इसका मतलब वो अपना आत्मा तुम में समाएगा। और इसी आत्मा के विषय में उसने यहां पर भविष्यवाणी की, योएल नबी की किताब 2:28 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको भविष्यवाणियों को विश्वास से लेना आना चाहिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब आज सब पर आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। आज से तुम परफेक्टिंग में जाओगे, तुम दानियल की तरह स्वप्न देखोगे। तुझे नहीं पता कौन तेरे पीछे क्या कर रहा है, तेरे पीठ के पीछे क्या कर रहा है, शैतान कौन सी योजना बना रहा है, आगे तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सपनों के द्वारा तुझसे बात किया करेगा यीशु के नाम में। ये ग्रेस तुम रिसीव करे अपनी लाइफ के ऊपर। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, वहां पर लेके जाओ दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निराश होते हैं। जान दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निराश होते हैं क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, दर्शन नहीं है। अगर 2013 में खुदा मुझे दर्शन ना देता तो मैं ना जान पाता मुझे प्रभु के लिए भूख दिखानी। जब मुझे पता चल गया खुदा ने मुझे हजारों लोगों के बीच में खड़ा करना है, तो मुझे फोकस मिल चुका है। अब मुझे अपना बिजनेस या जॉब या स्टडी या ये कर लूं या वो बन जाऊं या ये सीख लूं या वो चल जाऊं या फॉरेन चले जाऊं, मेरी सारी कंफ्यूजन हल हो चुकी क्योंकि मुझे विजन मिल चुका था कि खुदा ने मुझे सेवकाई में उपयोग करना है। कितने में? 2013 में, 2030 में, 13 में मुझे विजन मिला। हालेलुया। मुझे पता है मुझे यूथ मीटिंगों में जाना है, मुझे डिसाइपलशिप मीटिंगों में जाना है, जहां भी कुछ मिल रहा है मुझे वहां जाना है। कुछ भी यूट्यूब में मिल रहा है, कुछ भी सीडी में मिल रहा है, कुछ भी किताबों में मिल रहा है, मुझे बस यही खोजना है, यही मेरा मकसद है। और मैं ढूंढता गया, खोजता गया और मुझे वो मिल गया। हालेलुया। आज से तुम अपनी लाइफ का दर्शन पाओगे, तुम यहां से जाओगे और दर्शन तुम्हारी लाइफ में आने शुरू होंगे, विजन तुम्हारी लाइफ में आने शुरू होगे। बाइबल सिखाती है अगर तुम आमीन बोल के चल जाओ और भविष्यवाणी को याद ना रखो, उसे लिखो ना और उसके विषय में कार्य ना करो, तो भविष्यवाणी अपने आप कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़। अगर मैं केवल प्रार्थना करूं और प्रीच करूं और एक उद्धार का संदेश दूं और कुछ बीमारों को चंगा करके चल जाऊं, तो आपको क्या मिलेगा, आपका क्या होगा? खुदा आपको आज भविष्यवाणी के रूप में आपकी उन्नति करता है। लेकिन जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह दूसरों की उन्नति करता है। आपकी उन्नति हो रही है, हालेलुया, आपकी उन्नति हो रही है। आज से तुम्हें दर्शन आएंगे, विजन आएंगे, मैं वो बोल के चला जाऊंगा और उसके बाद आत्मा तुझे काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारा दिल करेगा आज मैं घर जाऊं जल्दी, द्वार बंद करूं और कुंडा लगा लूं और बैठ जाऊं 2-3 दिन और सुनूं वो मुझसे क्या कहना चाहता है। आज से तुम, मैंने कहा आत्मा मुझे हिला रहा है, तुम उसके दीवाने हो जाओगे यीशु के नाम में, तुम उसके प्रेमी बन जाओगे। तुम्हें पता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे ये भी पता है कि तुम पिता से बहुत प्यार करते हो, पर इसके बीच कुछ बाकी है एनकाउंटर जो अब तक नहीं हो रहा है। आज उसका दिन है यीशु के नाम में। तुम जाओगे, घरों में जाओगे, तेरे साथ कुछ अद्भुत होगा। दूरियां कोई मायने नहीं करती। जैसे एक भाई बता रहा था, मैं ऑनलाइन देख रहा था, प्रभु के दास ने बोला ऐसे ऐसे वाटर को टच करो, कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने अपने हाथ से अपने आप को टच किया और अन्य ने वाशा मुझ पे उतर आई। समझ पा रहे? कहीं भी कभी भी किसी भी समय तेरी लाइफ में ये वचन पूरे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसने आज शुभ काम तेरी लाइफ में आरंभ कर दिया है, चिंता मत करो, वो पूरा करेगा।
तुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यही तो प्रोफेटिक है जब तेरी लाइफ में बोला जाता है और तुम हृदय से लेते हो। बाइबल में वो प्रचार प्रचार नहीं है जिसमें तेरे हृदय नहीं सीधे। वो प्रोफेटिक वर्ड पर आमीन बोला, चिल्लाकर आमीन बोलना, जब ऊंची आवाज से आमीन बोलना, मुंह से आमीन बोलना केवल काम नहीं करेगा, लेकिन उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। इसका मतलब मन से भी, मतलब मन में क्या है, हृदय, हृदय मतलब आपकी आत्मा, मतलब आत्मा से भी और मुंह से भी। जो आत्मा में आया उसे मुंह से बोलना, जो मेरी आत्मा में आ रहा है मैं उसे मुंह से बोल रहा हूं, और जो आप पर आ रहा है आप उसे आत्मा में लेके मुंह से बोल रहे हो। आमेन। जब पत्रस ने प्रीच किया सुनने वालों के हृदय छिद गए। मैं हमेशा बोलता हूं प्रचार में इस बात को कि जब तुम प्रचार सुनो तुम्हारे हृदय छिदने चाहिए। मतलब हृदय मतलब आपकी आत्मा, मतलब आपके अंदर जो आत्मा है। हृदय मतलब वो जिगर नहीं, वो दिल का टुकड़ा नहीं, वो हार्ट नहीं, वो दिल नहीं जो तुम कहते हो मेरा दिल लग गया तेरे होते, वो हृदय की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। जब हृदय और मन की बात आ रही है वो तेरी आत्मा की बात आ रही है। हालेलुया। जब हृदय की बात आ रही है वो तेरी आत्मा की, क्योंकि तेरे एक अंदर बाहर मनुष्य है, एक अंदरूनी मनुष्य है जो नया होता जाता है। हालेलुया। खुदा ने बोला था जैसे सूखी हड्डियां सूखी थी, मरी हुई थी, तुम इन लोगों के बीच में जाके, इसी तरह इन लोगों का जो मैं लोग भेजने वाला हूं, जो लोग आने वाले हैं, तुम आए नहीं हो, तुम लाए गए हो। हालेलुया। जो लोग आने वाले हैं इनमें से ऐसे लोग हैं जिनकी जो जीवन तो जी रहे हैं, शरीर में तो जी रहे हैं, चल रहे हैं, पर आत्मा में वे सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, और इनकी आत्मा के ऊपर तूने जाके भविष्यवाणी करनी है, जीवनों के ऊपर जाके भविष्यवाणी करनी है कि जी उठो, और इनकी आत्मा में अंदरूनी मनुष्य जी उठेगा और इनके शरीर को चलाना शुरू करेगा। लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा कभी पूरी ना कर पाओगे। यीशु के नाम में आज से तेरा आत्मा तुझे लीड करेगा, क्योंकि वो आत्मा में, आत्मा मजबूत हो रहा है, तेरा अंदरूनी मनुष्य नया हो रहा है, वो अंश अंश करके बदल रहा है। पौलुस कह रहा है मैं जो नहीं करना, जो करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता वो होता है, पर मैं अपने आप को मारता कूटता हूं और वश में करता हूं। जब प्रचार आपकी लाइफ में आता है, प्रोफेटिक आपकी लाइफ में आता है, आप अंश अंश करके बदलना शुरू हो जाते हैं, आप अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे वह है वैसे मसीह में हम हैं, जैसा वह है वैसे हम हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हारी आत्मा में ये वचन अगर चला गया, स्पिरिट में चला गया, और तुम्हारे हृदय अगर सिद्ध रहे, तो उसके बाद शर्माना मत, जो आत्मा ने तेरी लाइफ में किया उसे बताना जरूर। हालेलुया। क्या उसने ये भविष्यवाणी नहीं की कि पूर्ण स्वप्न देखेंगे, दास दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जितने दास है, जितने दासियां हैं, सब पर कहता है अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आज जितने सेवक आए हैं ये उसी योएल नंबर की भविष्यवाणी है, जो कहता है अंत के दिनों में उंडेलूंगा। जो इस भविष्यवाणी पर बिलीव करते हैं उस पर वो आत्मा उंडेला जाता है। हालेलुया। क्या तो आत्मा को, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए, आत्मा को उंडेले जाने के लिए अपनी आत्मा खोलोगे, अपना हृदय खोलोगे? वो कहता है जब तुम परमेश्वर का वचन सुन, अपने हृदय को कठोर मत कर, अपने हृदय में उसे आने दे। हालेलुया। हृदय में उसे, अपनी आत्मा में उसे आने दे। हालेलुया। और प्रभु अब मुझे जकरिया की किताब 4:6 पढ़ने को बोल रहा है आपके लिए। तब उसने मुझे उत्तर देके कहा, जरूबाबेल के लिए यहोवा का ये वचन। आज मैं कहता हूं गुरदासपुर के लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जो आए हैं, उनके लिए ये वचन, ना तो बल से ना शक्ति से। आज तक तूने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश की, चंगाई पाने के लिए अपना बल लगाया, दुष्ट आत्मा छुटकारा पाने के लिए अपना बल लगाया, आशीष होने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए बहुत युक्तियां की, बहुत प्लानिंग किए, बहुत बल लगाया, प्रभु को खोजने के लिए बहुत बल लगाया, पवित्रता में उठने के लिए बहुत बल लगाया, फोन छोड़ के देख लिया, फोन डिलीट, नंबर डिलीट करके देख लिए, फेसबुक छोड़ के देख ली, फिर भी तुम गिरते जा रहे हो। पर प्रभु आज पता क्या कह रहे हैं, कहां तुम बल लगा रहे हो देख लो। वीजा लेने के लिए बल लगा रहे हो, हाँ, कर्जा दूर करने के लिए, लोन लेने के लिए,
कर्जा उतारने के लिए बल लगा रहे हो, ये वचन नहीं है, मैंने कहा ये भविष्यवाणी है। तुम बल लगा रहे हो ना, ना तो बल से कहता है, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेना के यहोवा की ये वाणी है। आज से तुम देखोगे कि ना तो वो तेरे बल से हुआ, ना तो वो तेरी शक्ति से हुआ, जो तू आत्मा यहां से लेके जा रहे हो, जो ग्रेस तुम लेके जा रहे हो, जो प्रोफेटिक वर्ड तुम लेके जा रहे हो, उस आत्मा से वो होगा। हालेलुया। ओ ओ ओ, जो आज तक नहीं हुआ, तेरे बल से, तेरी शक्ति से, तेरा हस्बैंड नहीं बदला, तेरा बेटा नहीं बदला, वो खुदा की आत्मा से होगा। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी नॉलेज से, जब वो कह देते हैं कि अब तो ऊपर वाले ही कर सकता है, अब तो ऊपर वाला ही करेगा, अब तो परमेश्वर ही करेगा, कहता जो तेरे बल से, तू तेरी शक्ति से नहीं हुआ, आज वो मेरी आत्मा से होगा। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम हृदय से विश्वास करते हो? क्या तुम हृदय से विश्वास करते हो? हालेलुया। तो काम किससे होगा? उसकी आत्मा से। जब मैं अपनी आत्मा से तुम पर उतारूंगा, अब मैं चाहता हूं कि उस आत्मा का अपने हृदय में स्वागत करें, जो जी सब कुछ आपकी लाइफ में पूरा करेगा। जोर से बोले, वेलकम होली स्पिरिट। मैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे प्राणों का उद्धार करें, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें और परिवर्तित करते एक ऐसा मनुष्य बनाए जो तेरी इच्छा के अनुसार दुनिया में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, चर्च बोले आमेन।